जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नहा धो ली हूँ, सफाई वगैरह कर ली है, पूजा भी मेरी हो चुकी है। नाश्ते में आज मैंने बनाए नमकीन जवे, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। चलिए चाय पीते हैं फिर। तो मैंने ये जवे बनाए थे, चाय भी बना ली है, जवे गुड़िया का भी दूध कर दिया। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह कर कर मैंने रसोई बिल्कुल क्लीन कर दी है। तो ये बर्तन वगैरह मैं सारे रिता लाई हूँ, तो अब ये बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी सारी। ये पंखड़ी और ये दिख रही होगी जाल सा आपको, बस मैं पंखा भी साफ़ कर दूँगी। तो पंखा वगैरह साफ़ करके रसोई करके, क्योंकि खाने में टाइम था, तो मैं बाल वगैरह बांध लेती हूँ अपने, बिंदी भी लगा लूँ, क्योंकि बिंदी तो टिकती ही नहीं है, कितनी भी लगा लो। अब लगाऊंगी, 2 मिनट में हाथ फेरूंगी फिर उतर जाएगी। बाल वगैरह भी मैंने बांध लिए, बाल वगैरह बांध चुकी हैं, तो थोड़ी देर आराम से भी कर लूँगी, क्योंकि फिर खाने को बैठने का भी टाइम हो रहा है। चलिए मिलते हैं, चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये आ चुकी हूँ मैं किचन में थोड़ी देर आराम करके। तो मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, इतने आलू वगैरह उबाल लिए, फोड़ लिए। मैं बनाऊँगी आज आलू के रायता। तो वैसे नहीं बनाती मैं जैसे सब लोग छोक छाक के बनाते हैं, हमारे यहाँ सिंपल ही खाते हैं। तो ये मैंने इन आलुओं में ही मट्ठा का पैकेट रिता लिया है, कुछ लोगों के यहाँ लस्सी भी बोलते हैं। तो ये इसमें सोख लेगा सारे आलू। तो मैं तड़का भी साथ के साथ लगा दूँगी, जैसे दाल धूल में हम तड़का लगाते हैं ना, तो ऐसे ही तड़का लगाऊंगी मैं इसमें। तो ये मट्ठा आलू रख दिया, तो मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया है। इतने ये जो आलू है ना मट्ठे सोखेंगे, इतने मैं पराठे सेक के रख दूँगी। तो बस ऐसा सामान जोड़ लिया है मैंने। इधर चमचा रख दिया था गर्म, खीरा वगैरह भी काट लिया है मैंने। तो बस ये चमचा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी रिफाइंड। और रिफाइंड गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद मैं गैस बंद कर, पहले जीरा गिर दूँगी फिर गैस बंद कर दूँगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो फ्रेंड आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए मेरी रिफाइंड गर्म हो चुका है, और न्यू हो मेरी वीडियो पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देखिए हो चुका था गर्म, मैंने जीरा डाल दिया, क्योंकि अगर जलती हुई गैस में जीरा डालते हैं ना तो चमचा वो पकड़ लेता है गैस, तो फिर ये जल जाता है चमचा। तो बस मैंने इसलिए बंद करने के बाद डालती हूँ, हींग भी डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी बस, और फिर इसे ढक दूँगी। और बाकी जो चाट मसाला, गरम मसाला, लाल नमक वगैरह गिरने थोड़ी देर बाद गिरूँगी। तो ये देखिए हो चुका है लाल मिर्च, अब मैं इसमें इस प्लेट ढक दूँगी ये खीरे वाली। तो ये देखिए मैंने गिर दिया, तो बस एक बार मैं चला दूँगी और एक तरफ रख दूँगी। तो फटाफट से मैं पराठे सेक लूँगी, सबके लिए सेक के रख लूँगी, फिर सारों का तीनों का खाना एक साथ, तीनों चारों का एक साथ खाना कर लूँगी। तो ये रख दिया है मैंने गैस पर तवा, फटाफट से सेक दूँगी पराठे। आप लोगों को पता है गर्मी कितनी हो रही है, कितनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कितनी ही जल्दी काम निपटा लें फिर भी धूप तो हो ही जाती है। तो ये देखिए मैं फटाफट सकले पराठे सेक लूँगी, क्योंकि दिन पता है यही सब्जी आए, घिया तोरी यही छोले राजमा भी रोज़ रोज़ नहीं खाए जाते, तो मैंने सोचा आज हल्का हल्का हो जाएगा और ठीक रहेगा। आलू का रायता तो वैसे भी गर्मी में अच्छा लगता है। तो देखिए मुझे कितनी गर्मी लग रही है, पसीने भी आ रहे थे। तो मैं फटाफट से मैंने सेक लेंगी पराठे, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये देखिए अब इसमें सादा नमक डाल दूँगी। तो ये डाल दिया है मैंने गरम मसाला, ये डाल दो, चाट मसाला भी गिर दिया है मैंने इसमें। तो बस मैं इसे ढक दूँगी, इधर लगा सेक दिया है पराठा, देखिए सिकने लग रहा है, और देखिए फटाफट से सिक जाएंगे पराठे। फिर मैं गाय वगैरह का भी निकाल दूँगी और इन्हें भी दे दूँगी। तो ये देखिए ऐसे तो मैंने सुबह गाय के जवे निकाल दिए थे, पर ये है ना रोटी तो निकालनी ज़रूरी होती है। तो बस हमने सीख दिया पराठा, दूसरा भी डाल दिया है तवे पे फटाफट से। इसके पापा कहने लगे थे कितनी देर में खाना लगाओगे, मैंने कहा बस अब फटाफट से सबके लिए पहले पराठे ही सेक लेती हूँ, कहने लग रहे हैं उस, तो मैंने कहा अभी सेक कर रही हूँ बस खाना। तो देखने लग रही थी, तो बस ये लिए फटाफट से सीख जाते हैं पराठे। और आप लोगों को पता है ना क्या कहते हैं, कितना ही वो कर लो फिर भी सारा दिन तो चला ही जाता है काम में, कभी ये काम कभी वो काम, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम ही नहीं लग पाता कि लाओ मैं कुछ कर लूँ। मेरे ब्लाउज पड़े हैं, यूँ नहीं बोल लो पड़े, मैं थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करूँगी कल वगैरह को। मुझे फॉल वगैरह भी लगानी है साड़ी पे, तो मैं सोच रही थी गर्मी में घर से बाहर तो निकला जाता नहीं, मैं सोच रही थी बाजार जाकर दो एक फॉल भी लाऊँगी साड़ी के लिए, क्योंकि साड़ियाँ मेरी फॉल लगाने के लिए पड़ी हैं, फॉल भी लगानी है उन पर। तो ये बन चुकी है मेरी रोटी यानी कि पराठे बना लिए। तो बस सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, देखिए मैंने सारे रसोई भी क्लीन हो चुकी है। तो बस अब मैं थोड़ी देर बैठ चुकी हूँ, उन्हें भी खाना खुना दे के, और धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़, आप मेरी हालत देख सकते हैं पसीने में क्या है। थोड़ी देर आराम भी कर लिया है मैंने,
तो बस अब ये कहने लगे ना थोड़ा सा पनीर रखा या कच्चा काट के दे दो या वैसे करके दे दो। तो मैंने सोचा कच्चा तो वैसे भी ये रोज तीसरे दिन या दूसरे दिन खाते रहते हैं, मैंने कुछ चलो आज अलग सा करके बना के देती हूँ पनीर आपको। तो ये मैंने रख दिया है गैस पर कढ़ाई, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला था। तो ये पनीर मैंने कट करके रखा हुआ है, तो इसे थोड़ा थोड़ा सा भूनूंगी और इस पर हल्का सा नमक हल्का सा चाट मसाला घेर के दूंगी इन्हें। तो ये देखिए भले इतने ही भुनेगा, मैंने हल्के हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। तो देखिए हल्का सा लालपन आ गया है ना, तो ये देखिए एक बार और चला दूँगी। तो ये देखिए ये हो चुके हैं लाल, अकड़ दी है मैंने गैस बंद, बस मैं निकाल लूँगी निचोड़ने छोड़ के, फिर रिफाइंड उसमें झुका तो रह जाएगा। तो अभी फिर नमक वगैरह डाल के दे दूँगी, बहुत अच्छा लगता है, बिस्कुट की तरह लगता है, कुरकुरा सा। ये इतना है ना कभी रोज़ सिंपल सा खाओ तो कभी कभी मन मना करता है अलग सा बना के दे दो, तो ये मैंने दे दिया है। तो बस मैं इस पर लगा देती हूँ चाट मसाला, देखिए निकाल लिया है ना प्लेट में, ये डाल दिया है नमक, पहले चाट मसाला पूछ के डालूँगी डालना है या नहीं डालना। तो ये दे देती हूँ मैंने लगा के, देखिए आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए कितना अच्छा लग रहा है बिस्कुट सा बिल्कुल। फ्रेंड मैंने भून दिया है पनीर, उन्हें भी दे दिया है नमक वगैरह डाल के, वे खा लेंगे। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय फ्रेंड।